हेलो फ्रेंड, टुडे आई डिस्कस इन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्वेश्चन एंड ये एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन ए लेथ मशीन द मटेरियल इज रिमूव बाय, फोर ऑप्शन आर गिवन, रोटेटिंग द वर्क पीस अगेंस्ट ए कटर एंड सेकेंड इज ए rotating the workpiece and against a rotating cutter and third is a feeding the workpiece and against a rotating cutter and D option is a feeding the workpiece and against a cutter having required reciprocating motion and correct answer is A, rotating the workpiece and against a cutter and इसका यहाँ पर हमने डिफिकल्टी लेवल भी हमने डिस्कस किया हुआ है, 1, 2, 3 इस तरह का डिफिकल्टी लेवल भी दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे ये 150 क्वेश्चन की एक सीट में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, इसको आप बस देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे, क्वेश्चन नंबर 4th है। ऑन द लेथ मशीन इज ए मॉन्ड्रल इज यूज, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड 9th नंबर इज क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर एंड हेलो फ्रेंड, एंड क्वेश्चन नंबर 31 अ ड्रिल विल नॉट कट इप इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हेलिक्स एंगल इज ए स्मॉल एंड सेकेंड बी लिप एंगल इज 0, थर्ड ऑप्शन इज ए लिप आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड द फ्लूड गेट फिल्ड अप विद चिप एंड करेक्ट आंसर इज ए बी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Thank you.
एंड क्वेश्चन नंबर इज 64 इन ए पॉइंट टू पॉइंट टाइप ऑफ एन सी सिस्टम एंड फोर ऑप्शन आर गिवन इन कंट्रोल ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द टूल इज एसेंशियल एंड बी ऑप्शन इज कंट्रोल ऑफ ओनली पोजिशन ऑफ टूल इज सफिशियंट एंड थर्ड ऑप्शन सी इज गिवन टू द कंट्रोल ऑफ ओनली वेलोसिटी ऑफ द टूल इज सफिशियंट एंड डी ऑप्शन इज गिवन इन टू द नाइदर पोजिशन नॉर वेलोसिटी नीड बी कंट्रोल एंड करेक्ट आंसर इज बी कंट्रोल ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द टूल इज एसेंशियल इज करेक्ट आंसर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यदि आपको हमारी सीट अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज प्लीज ज़रूर देखें और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सालों से पूछे हुए क्वेश्चन को हमने रिपीट किया हुआ है जो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए उनको हमने दिखाया है एक सीट बनाई है और इस तरह से और भी सीट है यदि आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमने पिछले भी वीडियो में कई सारे सीट हमने अपलोड किए हैं यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप पिछली सीट देख पाएंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपको हमारी सीट अच्छी लग रही है तो उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इज 92 क्वेश्चन नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर हाफ नट इज कनेक्टेड विद एंड फोर ऑप्शन आर गिवन टू मिलिंग मशीन एंड लॉकिंग डिवाइस एंड थर्ड इज जिग एंड फिक्सर एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन टू थ्रेड कटिंग अप ऑन लेथ एंड करेक्ट आंसर इज डी एंड थ्रेड कटिंग ऑन लेथ हमने यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसलिए मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में यदि मैंने जो सीट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें 100% हर एक सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हर साल रिपीट होते हैं यदि आपको हमारी सीट अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है आप समय कम होने के कारण हम आपको 250 क्वेश्चन नहीं दिखाकर 150 ही दिखा पाएंगे और नेक्स्ट जो हमारी सीट आएगी उसमें आपको हम इन क्वेश्चनों की सीट अवेलेबल कराएंगे यदि आप हमारा आवाज़ मेरी सुन पा रहे हैं ना यदि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
जिससे कि हम जब अपनी नई सीट हम लोड करेंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी जो नेक्स्ट सीट है वो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, एक दो दिन के अंदर। मोस्टली वो सीट मेरी तैयार है लेकिन उसको अपलोड करना है। आज हम आपको 150 क्वेश्चन की एक सीट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसको लर्न कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की एक सीट यदि आपको लेना है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका कोई कॉस्ट नहीं, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट है ये, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और लास्ट में थैंक यू।